संविधानातल्या ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्यांचं पालन करून सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेशात प्रिन्सिपल सेट केले आहेत त्याच्या आधारावरती हा निर्णय असेल. आता उद्या संजय राऊत बोलतील अमेरिकेतनं आणलं, लंडनमधनं आणलं, त्यांच्या बोलण्याला काय अर्थ असतो. महाराष्ट्र राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल नार्वेकर जो कि विधानसभा अध्यक्ष है वो अपने महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निश्चितपणे कायद्याला धरून असेल. संविधानातल्या ज्या तरतुदी आहेत त्या सगळ्यांचं पालन करून सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेशात प्रिन्सिपल सेट केले आहेत त्याच्या आधारावरती हा निर्णय असेल आणि या निर्णयातनं सगळ्यांना न्याय मिळेल. मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है. इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा. ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा. सर आप कह रहे हैं बेंचमार्क ये होगा जो निर्णय होगा, किस तरह से क्या लिया जाएगा सर? पॉलिटिकली मोटिवेटेड टेंथ शेड्यूल को लेकर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं शेड्यूल में जो प्रोविजन है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजन का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की जरूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है जो निश्चित रूप से एक उदाहरणात्मक निर्णय इस राष्ट्र के लिए 10th शेड्यूल के मामले में रहेगा. उद्या संजय राऊत बोलतील अमेरिकेतनं आणलं, लंडनमधनं आणलं, त्यांच्या बोलण्याला काय अर्थ असतो. सर ऑपरेटिव्ह ऑर्डर होगा या पूरा त्यांच्या कॉमेंट्सना उत्तर देऊन उगीच त्यांना जी स्वस्त पब्लिसिटी हवी आहे त्यात वाव देण्यासारखं आहे. त्यामुळे संजय राऊत सारख्या लोकांना बेस्ट इग्नोर. प्रतिक्रिया कल मैंने आपको बताया है जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसे